एज अ बाइक लवर हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हमारी बाइक एकदम चमचमाती रहे, उस पर धूल मिट्टी का एक भी कण ना दिखे, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बाइक हमने चलाने के लिए ली है तो गंदी तो होगी, इसलिए हमें टाइम टाइम पर उसे साफ़ करते रहना पड़ता है। और जब गंदगी ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो हमें पानी से भी उसको धोना पड़ता है। पानी से मुझे याद आया कि हो सकता है आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पर आपको पानी की कमी दिखती ना हो, लेकिन इंडिया में ख़ास तौर पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनको साफ़ पीने का पानी तक नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि हम गाड़ी साफ़ करें धोएं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पानी खर्च हो और हमारी गाड़ी जो एकदम साफ़ धुल जाए। मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए कि मैं गाड़ी कैसे वॉश करता हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ों की शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ती है। आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कि मैंने पिछले 200 सालों से इस बाइक को साफ़ नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हर महीने साफ़ करता हूँ। बात वो है कि हमारे सामने घर से निकलते ही सीसी रोड है जिस पर पानी आसानी से सूखता नहीं है, बहुत जल्दी गाड़ी गंदी हो जाती है और मिट्टी भी जो लगती है बहुत ही टाइटली उसको पैक करने वाली मिट्टी लगती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले पानी डालता हूँ मग्गे से, या आधी बाल्टी मैंने पानी लिया है और उसी से मग्गे से मैं डालता जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सॉफ्ट कर देगा पानी उस मिट्टी को और बहुत सारा पानी खर्च होने से बचेगा। बाइक को धोने के लिए मैं किसी अच्छे बाइक शैम्पू या कार शैम्पू का यूज़ करता हूँ। वैसे उसके बारे में भी एक वीडियो आएगा कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से झाग और फॉर्म बना सकूँ ताकि बाइक का ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कवर हो और इफ़ेक्टिव क्लीनिंग हो बिना ज़्यादा पानी वेस्ट किए। ये आप देख रहे होंगे कि सॉक्स कहाँ से लिया है मैं, तो ये पुराना सॉक्स है जिसको मैं पहन लेता हूँ, जो मेरे पूरे हैंड को कवर कर देता है और मैं आसानी से कहीं भी छोटी से छोटी जगह में भी क्लीनिंग कर पाता हूँ बिना किसी डर के कि मुझे कहीं कट लग जाएगा, क्योंकि सोप सॉल्यूशन में हाथ डालने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है हाथ। और ये ग्रीन वाला जो कपड़ा दिख रहा है माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, ये मैं ऊपर फाइबर एरियाज़ के लिए काम में लेता हूँ ताकि स्क्रैच ना लगे। और बाइक की जब आप सफाई चालू करें तो आप कोशिश करें कि ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग चालू करें जो कि कम गंदा होता है कंपेरेटिवली नीचे वाले पोर्शन के। जिन पोर्शन में थोड़ी सी गेप होती है वहाँ पे हाथ नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं ज़्यादा सोप सॉल्यूशन डालता हूँ ताकि अपने साथ ये गंदगी लेके आए और रस्टिंग ना क्रिएट करे बाद में भी कभी। यहाँ पे सॉक्स का असली यूज़ स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे होंगे कितना इजीली मैं क्लीन कर पा रहा हूँ। और उसके अलावा मैं ब्रश का भी यूज़ करता हूँ, जैसे एलॉय व्हील और टायर के बीच में कई बार गंदगी जमा हो जाती है जो रस्टिंग का काम करती है, तो वो मैं ब्रश से क्लीन करता हूँ। अब जिस पोर्शन की हम सफाई करना चालू करेंगे, मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी गर्म नहीं हो। मैंने तो जस्ट अपनी गाड़ी घर से बाहर निकाली थी और खड़ी करी थी, इसलिए गर्म नहीं थी। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि सामने वाला जो टायर है पूरी गंदगी इस पर फेंकता है और ये गर्म होता है तो गंदगी इस पर चिपक जाती है। इसलिए मैं इसकी सफाई करता हूँ अच्छे से इस सॉक्स के साथ, और अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो मैं ब्रश का भी यूज़ कर लेता हूँ इसको साफ़ करने में, क्योंकि इस पोर्शन को बदलवाना बहुत ही महंगा पड़ता है और ये ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं ड्यू टू मड। और इस एरिया में गंदगी होने का मतलब है कि आपका इंजन ज़्यादा हीटअप करेगा जो कि अच्छा नहीं होता किसी भी इंजन के लिए। फाइनली मैं पाइप का यूज़ कर रहा हूँ प्रेशर मारने के लिए, जहाँ मेरे हाथ नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अब जाके मैंने पाइप का यूज़ किया है, इतनी देर तक मैंने मग और बाल्टी का यूज़ किया था और मैंने काफ़ी सारा पानी यहाँ पे बचाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।